भगवान सागरेश्वर नाथ की अनुकंपा से आज ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई। भगवान की विशेष कृपा जब जीवन में होती है तब हम भागवत सुनने के बारे में सोच पाते हैं, पर कृपा हो जाए तो फिर भागवत हो जाती है, क्योंकि जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है जन्मांतरे भवे पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं, जब हजारों जन्मों का भाग्य उदय हो जाता है, तब हमें क्या मिलती है? श्रीमद् भागवत की कथा। भाग्योदय न बहुजन मसवर्जिते ना सत्संग वंचनवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतुर्मोह मरांधकार नासं विभा यहि तरोदयते विवेकः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्, आज आपका पुण्य उदय हो गया, पर क्यों होगा? तो ये भागवत क्यों हो रही है? स्वर्गीय श्री महेश गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में, उनके वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में। क्योंकि देखो जीते जी भागवत हो जाए अच्छी बात है, जीते जी सब लोग भागवत सुन ले, सुनना चाहिए भी। भागवत जी में लिखा है जब तक शरीर अच्छा हो, धन भगवान ने दिया हो, परिवार बढ़िया हो तो भागवत सुन लो, पर यदि नहीं सुन पाते या सुन भी ले और हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र पत्नी परिवार हमारे घर वाले यदि हम प्राणी के नाम से भागवत करा दे तो क्या होता है? महापुण्य फलम लभे, महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये भागवत क्यों हो रही है? स्वर्गीय श्री महेश जी गुप्ता जी के पावन पुण्य स्मृति में। और इस कथा की मुख्य यजमान की श्रोता है हमारी माता जी श्रीमती विमला गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र बहु पौत्र भाई बहन परिवार और समस्त उनका पूरा समाज पूरा परिवार, और मैं यहाँ पर कहूँ संपूर्ण उमरिया इस कथा के श्रोता है। तो आइए आज की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करें। देखिए भागवत जी कभी प्रारंभ नहीं होती, ना तो भागवत कभी प्रारंभ होती और ना भागवत जी कभी समाप्त होती है। भागवत जी में क्या होता है? भागवत जी में हम सभी क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। जैसे कि जाकर के आप प्रयागराज जाएं और कहां जाएं? हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं और गंगा यमुना महारानी में आप गोता लगाते हैं ना, ऐसे ही जो प्राणी जो जीव जो मनुष्य जो भगवान का भक्त एक बार श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाता है उसका क्या होता है? उसके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप कष्ट दुख बाधा सब कुछ मिट जाती है और क्या हो जाता है? कृष्ण प्रेमम परम लभे, वो कृष्ण का प्रेमी बन जाता है, वो भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान उसकी इच्छाओं को पूरी करते। पर कब? जब हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। तो आज के प्रथम दिवस की कथा में हम लोग क्या करें? प्रवेश करें, प्रारंभ करें, प्रवेश करें, कथा श्रवण करें, उससे पूर्व चलते हैं भगवान के चरणों में। क्योंकि भगवान के चरणों में जाए बिना, भगवान के चरणों में मन लगाए बिना हम भगवान की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे? भगवान का कीर्तन करेंगे। भगवान के कीर्तन के बाद क्या करना है? हमें भगवान की कथा श्रवण करनी है। जय जय श्री राधे। तो आइए चलते हैं श्री भगवान के चरणों में। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए अपने तन से बैठे बैठे मन को भगवान के चरणों में लगा करके और यही बैठे बैठे ऐसा विश्वास करिए, ऐसे ऐसा मन में भरोसा रही है ठाकुर जी, हे परमात्मा, हे बिहारी जी, श्रीमद् भागवत जी के रूप में आज से 7 दिवस पर्यंत आप हमारे घर में आ चुके हैं, आप हमारा कल्याण करिए, हमारे जीवन में क्या दीजिए? भक्ति विरागम चगसोचयायो, हे ठाकुर जी हमें भक्ति दीजिए। क्योंकि जीवन में भक्ति आ जाएगी तो शक्ति आ जाएगी और शक्ति आ जाएगी तो क्या होगा? सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भगवान के
चरणों में। हरे कृष्णा ये क्या है? महामंत्र है। और महामंत्र का जाप करने से क्या होता है? सारे पाप मिट जाते हैं। तो आइए सभी लोग काली की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में मन लगाकर करके इस महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बिंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। आज से 7 दिवस पर्यंत भगवान श्री हरि के चरणों में, बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में हम आप सभी लोग मन को लगाएंगे। तन से आकर के बैठ जाना है यहाँ पंडाल में, मन भगवान के चरणों में लगाना है, और तन मन और क्या है तीसरी भक्ति धन। जो भी पत्रम पुष्पम फलम दोयम, अपनी नेक कमाई का, अपनी ईमानदारी की कमाई का कुछ अंश भगवान के चरणों में लग जाए तो क्या होता है, वो धन भी पवित्र हो जाता है, वो मन भी पवित्र हो जाता है, और वो तन भी पवित्र हो जाता है जो भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के चरणों में मन लगाना है। और एक बात और, कथा में नियम होता है कि भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकार। भागवत जी में लिखा है कि भागवत जी हो तो क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जयकारा जय घोष करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जितने पाप है ना, राधे राधे बोलने से, कृष्ण कृष्ण बोलने से, भगवान का जयकारा लगाने से क्या होता, हमारे जितने पाप है, जितने ताप है, वो सब निकल के चले जाते हैं। तो क्या करना है, हमें प्रेम से, मन से, हृदय से, वाणी से, इंद्रियों से भगवान का नाम लेना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों बोलते हैं राधे राधे, आप वृंदावन गए होंगे, माता जी गई हैं, वृंदावन में जाएंगे तो वहां सबको ही राधे राधे बोलते हैं, वहां कोई किसी का नाम नहीं लेता, राधे राधे। क्यों, राधे राधे जपत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की यातना श्री राधे नाम से जाए। राधे राधे जपिए तो जीवन में क्या होगा, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। हमें भगवान अच्छे लगे, हमें भगवान प्रिय लगे, अच्छी बात है, पर भगवान को हम भी प्रिय लगे, हम बिहारी जी को देखने जाएं वृंदावन, घर में उनका पूजन करें, पर एक दिन ऐसा आए कि बिहारी जी स्वयं अपनी पूजा तो पूर्ण कर ले, हम कभी भूल भी जाएं, भोग लगाना, शयन कराना, पूजा करना, तो ठाकुर जी हमारे सपने में आ जाए, भक्त आज आपने मेरी पूजा नहीं की। ये भक्ति की पहचान है, भक्ति का लक्षण है। और वैसे तो ओम जय जगदीश है रोज ही करते हैं, पूजा करते करते हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, और यही श्रीमद् भागवत जी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है, भगवान के चरणों में मन लगाना है, परमात्मा के चरणों में मन लगाना है, मुरली वाले के चरणों में मन लगाना है, और मन लगाते लगाते क्या होगा, हमारा तन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा, और अगली भी क्या होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। सच मानिएगा, हमें भगवान ने मानव तन सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है। जो मानव तन मिला हमें ना, क्यों मिला है,
हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, हम भगवान को पालें, या तो हम भगवान को पालें या भगवान हमारे सामने आकर प्रकट हो जाए। पर प्रकट करना बहुत कठिन बात है। क्यों कठिन बात है? इसलिए कलयुग में विशेष करके हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का मन कहाँ लगा है? पुत्रं गेहं च पुत्रस्य धनं पत्नीं च सौख्यकम्। सबसे पहले हमारा मन जाता है परिवार में, फिर घर बनाने में, दुकान चलाने में, वस्त्र खरीदने में, सोना चांदी खूब हो जाए, मेरा नाम खूब हो जाए, लोग मेरी जय जयकार करें, और सब कुछ करते करते एक दिन आया है सो जाएगा, चला जाता है और अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। देखिए, शरीर के लिए जीना दूसरी बात है, शरीर के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं खाने के लिए, लेकिन जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जो अपनी मुक्ति करना चाहते हैं, वो भगवान का भजन करें। सिर्फ कलयुग में क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरन नर उतरम पारा, सुमिरि सुमिरन नाम लीजिए तो क्या होगा? सुमिरी सुमिरन उतर ही पारा। इस भव सागर से पार होने का एक ही उपाय है, इस संसार से पार होने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधे रानी का नाम, भोलेनाथ का नाम, जिनका भी आपको नाम प्रिय हो। अब देखिए, पानी को आप पानी बोलिए, जल बोलिए, नीर बोलिए, वाटर बोलिए, पानी तो पानी रहेगा ना, ऐसी भगवान का नाम जो कल्याण करने वाला है। अब आपको जो प्रिय हो वो लीजिए, पर लेंगे तो हमारा क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे। अब राधे राधे क्यों बोल रहे हैं? ये भागवत जी में लिखा भी है, अन्य पुराणों में भी है, जो किस भगवान की जो भी कथा होती है उनका नाम बीच बीच में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बात समय की, वैसे ये कथा मैं सुना चुका हूँ बढ़िया में 10-15 बार, जो भी सुनाने जा रहा हूँ, फिर भी एक बार और बता दूँ। हर जगह नई जगह होती है तो बताना पड़ता है। क्यों कहते हैं राधे राधे, क्यों कहते हैं कृष्ण कृष्ण? जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया, क्योंकि
जो पाप करते हैं और जो पापियों का साथ देते हैं उनका भी क्या होता है, उनका भी मद हो जाता है, उनका भी नाश होता है। तो भगवान ने कुंभकर्ण को जब मार दिया तो कुंभकर्ण की बहुत पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था निद्रा देवी, क्योंकि सोते 6 महीना जागता 1 दिन। तो जब कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मार दिया, पहुंच गई निद्रा देवी भगवान श्री राम के पास। भगवान बोले, देवी आइए। अरे प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, आपने हमारे पति को मार दिया, क्या बिगाड़े थे बेचारे, 6 महीना सोते 1 दिन जागते, आपसे वो भी सहा नहीं गया महाराज। भगवान राम बोले, देवी जो भी पापियों का साथ देंगे, पाप करेंगे, उनका मैं वध करने के लिए ही आया हूँ, उनको मारूंगा। और आपके पति ने रावण का साथ दिया, रावण को समझाया नहीं, साथ दिया तो मरना तो पड़ेगा, तो ठाकुर जी आपसे बदला लूंगी मैं। भगवान बोले, कैसे देंगी, जहां भी आपकी कथा होगी, जहां भी आपका सत्संग होगा, जहां भी कीर्तन होगा, जहां भी आपका नाम लिया जाएगा, मैं जाकर के भक्तों के सिर पे सवार हो जाऊंगी। पहला काम क्या करूंगी, पहले तो उनका मन आपके चरणों से दूर करके दुनिया में फंसाऊंगी, यानी कि कथा में जाने के बाद भी घर याद आए, परिवार याद आए, कुछ काम याद आए, समझिए इस समय निद्रा देवी हमारे आसपास आ चुकी हैं। और क्या करेंगी महाराज, और मैं जाकर के उनके सिर में सवार हो जाऊंगी तो उनको नींद आएगी। अब आपके भक्त सोते रह जाएंगे ना, जब सो जाएंगे तो कथा सुन नहीं पाएंगे, और कथा सुन नहीं पाएंगे तो क्या होगा, आपके वैकुंठ में ताला लग जाएगा महाराज, आपका नाम खराब हो जाएगा, लोग आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे। भगवान बोले, देवी आप बहुत अच्छी बात बोली, आप करिए जो भी आपको करना, हम भी एक नियम बना देंगे, जब भी हमारी कथा होगी, जहां भी हमारी कथा होगी तो क्या करना है, सबसे हम क्या बुलवाएंगे, अपने नाम का जय घोष कराएंगे, जय जय। इसलिए भगवान का नाम दिया जाता है कि हमारे आसपास निद्रा देवी ना आ पाए, निद्रा देवी आएंगी और सब कुछ गड़बड़ करके चली जाएंगी। तो आइए आज से परम पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। वैसे परमात्मा तो कण-कण में है, जहां भी जाइए सब जगह परमात्मा, जहां जहां आकाश है, जहां जहां पृथ्वी है, जहां जहां हवा है, सब जगह परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सब जगह तो है, परमात्मा सब जगह पर हमें प्रकट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि दूध में घी तो है, पर क्या होता है, दूध से घी निकालना पड़ता है। गन्ने में शक्कर तो है, पर निकालना पड़ता है, समय लगता है, प्रोसेस होता है। ऐसे ही भगवान सब जगह तो है, पर भगवान को हमें प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा। या तो भगवान हमारे पास आ जाएंगे, या तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। भागवत हमें ये सिखाती है, या तो हम परमात्मा के समीप चले जाएंगे, या भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिकावासी। ये श्रीमद् भागवत जो है ना, क्या है, श्रीमद् भागवत आख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। ये श्रीमद् भागवत क्या है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। वांग्मयी माने वाणीमयी, शब्दमयी, सत रूप में भगवान प्रवेश कर गए। जब भगवान जाने लगे ना अपनी लीला को पूरा करके, उद्धव जी ने पूछा, महाराज कन्हैया परमात्मा मेरे भगवान मेरे गोविंद, अब कलयुग आने वाला है, आपको पाने का, आपके पास जाने का, आपके चरणों में मन लगाने का, अपनी मुक्ति करने का सरल साधन तो बताइए, आप चले जाएंगे महाराज तो हमारा क्या होगा। तो भगवान क्या किए, ज्योतिरूपम प्रविष्टोऽयम्
श्रीमद्भागवत नमः। तो श्री ठाकुर जी कृपालु भगवान का क्या नाम है? दीन दयाल दीनानाथ, वो दीनों के नाथ है, दुखियों के नाथ है। तो भगवान क्या किए? ज्योति रूपम प्रविष्टोयम्। भगवान क्या किए कि एक रूप में परमात्मा चले गए वैकुंठ, और दूसरे रूप में भगवान क्या किए? सत्य के रूप में गए और जाकर के ज्योति रूपम प्रविष्टोयम्। भगवान जाकर के श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद्भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव, साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत। और वही श्रीमद् भागवत जो भगवान का ही स्वरूप है, हम आप सभी लोग आज से 7 दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे। तो आइए सभी लोग प्रेम से एक बार जयकार लगाएंगे, जय जय श्री राम। संख्या कम है तो क्या हुआ है? संख्या बहुत कम है तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। संख्या भले ही कम हो पर श्रोता सुनने वाले हैं। अब भीड़ खूब हो जाए, ग्राउंड पूरा फुल हो जाए और सुनने वाले एक दो लोग हो तो कोई मतलब नहीं। तो संख्या कम है तो क्या हुआ? आप जरा जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हां महाराज, जब तक महत्व नहीं जानेंगे तब तक उसमें हमारी श्रद्धा विश्वास और उससे हमारा प्रेम नहीं होगा। परिवार में पहले परिवार को नहीं जान पाए, परिवार का महत्व समझे तो परिवार से प्रेम हो गया। छोटा बच्चा हो आप उसे पैसे दीजिए 200 रुपए नहीं लेगा, पर चॉकलेट दे दीजिए 5 रुपए वाली, आइसक्रीम खिला दीजिए नहीं लेगा, क्योंकि आइसक्रीम का चॉकलेट का महत्व जानता है वो। पर जैसे ही वो बच्चा 16 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, 15 साल का, तब चॉकलेट नहीं लेगा, फिर क्या लेगा? पैसे लेगा, क्योंकि महत्व समझ गया ना। तो जिसका महत्व समझ जाते ही वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है, वो हमारे जीवन में विशेष हो जाता है। उससे हमारा क्या होता है? मोह हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है, मोह भी हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनेंगे हम लोग। क्या सुनेंगे? महात्म्य की। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
नामों की चर्चा आइए करें। नाम, रूप और लीला, भगवान के तीन नामों की चर्चा। भगवान के सामर्थ्य की बात, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का पहला नाम क्या है? सत्य। सत क्यों है? सत माने क्या होता है? सत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान का पहला नाम सत है। सत माने होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो है सत। सत माने सत्य। सत माने वही, जो जैसा है वही। सत माने सूर्य जैसे निकलते हैं पूर्व से, ये सत्य बात है ना, पश्चिम से निकल नहीं सकते कभी, इसलिए वो सूर्य सत्य है। और सूर्य को क्या बोला जाता है? सूर्य नारायण। तो भगवान का पहला नाम क्या है? सत्य, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, वही परमात्मा का पहला नाम सत्य है। और जिसके जीवन में सत आ जाए, जिसके जीवन में सत्य आ जाए, उसके जीवन में परमात्मा स्वयं चलकर आ जाएंगे। सत्य हमारे जीवन में आ जाए, या तो हम सत्य के पास चले जाए, या हम सत्य बोले, या हम संकल्प कर ले, हे ठाकुर जी एकादशी के दिन कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, पूर्णिमा आएगी, पूर्णमासी आएगा, आपकी जन्माष्टमी आएगी, शिवरात्रि आएगी, नवरात्रि आएगी, तो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यदि ये संकल्प हमारे जीवन में हो जाए तो भी हम भगवान को पा सकते हैं। पर माफ करिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत तो ऐसे नहीं है, पर बहुत लोग व्रत में भी, उपवास में भी, मंदिर में जाकर भी, तीर्थों में जाकर भी, जो घर में करते हैं वही वृंदावन में जाके करते हैं। और यदि वृंदावन में जाने के बाद भी हमारे मन में गलत विचार आ गए, असत्य आ गया, सत्य समझिएगा, वृंदावन चले तो जाएंगे, बिहारी जी को देख भी लेंगे, पर पुण्य नहीं मिलेगा, भगवान से क्या नहीं होगा, भगवान से नजरें हमारी नहीं मिलेंगी। और लिखा है ना कि वृंदावन जाइए, ठाकुर जी के पास जाइए, तो क्या करिए, भगवान से अपनी एक बार नजर मिलाइए ठाकुर जी से, और बोलिए हे ठाकुर जी मेरे जन्म जन्मांतर के पाप ताप कष्ट सब मिटा दो और मुझे अपना बना लो, ये भाव आ जाए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का पहला नाम सत्य है। सत्य हमारे जीवन में आ जाए तो सब कुछ मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि भगवान का पहला नाम ही है सत्य। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान बोलते हैं मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ, मेरा जन्म सत्य के लिए है और मेरा हर काम प्रत्येक कर्म सत्यवादियों के लिए है, इसीलिए आज भी राजा हरिश्चंद्र को क्या बोला जाता है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि उन्होंने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला। और ऐसा नहीं कि झूठ ना बोलने वाला ही सत्यवादी हो या झूठ बोलने वाला ही सत्यवादी हो, उन्होंने क्या किया राजा हरिश्चंद्र ने, सत्य के लिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी किनारे कर दिए, बोले झूठ नहीं बोलूंगा, सब कुछ मेरा रुठ जाए, मेरा शरीर भी चला जाए, मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर असत्य नहीं बोलूंगा। असत्य ना बोलना भी परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि भगवान का पहला नाम ही है क्या? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला नाम है सत्य, याद रहेगा माता जी, सत्य। दूसरा नाम है चित्त। पहला नाम भगवान का क्या है भागवत जी में? सत्य। सत्य आपके पास है, सत्य आपके पास है, ईमानदारी आपके पास है, तो सच मानिए भगवान हमारे पास है।
और नहीं तो बहुत पैसे हो, करोड़पति हम हो, पर हमारे जीवन में असत्य ही असत्य है। तो हमारे पास पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, पर ठाकुर जी हमारे पास नहीं होंगे। भले ही कितना श्रृंगार करें, कितनी अच्छी मंदिर बना दे, भगवान तो रहने वाले नहीं है। तो हमारे जीवन में सत आ जाए। दूसरा नाम भगवान का आया चित्त। सच्चिदानंद रूपम, भगवान का दूसरा नाम क्या है? चित्त। चित्त मने क्या होता है? चित्त मने होता है प्रकाश। होता है क्या? प्रकाश। अभी लाइट जल रही है, ये तो प्रकाश है, सब दिखाई दे रहा है। अंधेरा हो जाए तो ऐसी किसी के पास आंखें हैं कि अंधेरे में कोई देख पाए? रात्रि में लाइट चली जाए कमरे में तो पहले कहां जाता है? मोबाइल में। मोबाइल हो तो और चले। ऐसी आंखें भगवान ने बनाई नहीं जो अंधेरे में देख सके, क्योंकि वो आंखें केवल परमात्मा के पास है। क्योंकि भगवान का नाम है चित्त, और चित्त मने होता है प्रकाश। जो प्रकाश है वही तो भगवान है। प्रकाश कई तरह के होते हैं वैसे, पर जो प्रकाश हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई दे, जो उजाला हमें दिखाई देता है, वही परमात्मा है। और वही उजाला यदि हमारे हृदय में आ जाए, हमारे बुद्धि में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो सब समझिएगा भगवान हमारे पास है। भगवान की कृपा हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में है। तो भगवान का दूसरा नाम क्या है? चित्त। चित्त माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ज्ञान वाला प्रकाश, भक्ति वाला प्रकाश, प्रेम वाला प्रकाश हमारे जीवन में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। तीसरा भगवान का नाम है आनंद। आनंद नाम है भगवान का। आनंद माने क्या? आनंद का मतलब होता है जब हम सुख से और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जब बहुत सुख होने पर हमें खुशी नहीं होती, और बहुत दुख होने पर हमारे जीवन में दुख नहीं आता। या तो बहुत दुख आ जाए तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते, बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। उसे कहते हैं आनंद। आनंदम परमानंदम श्री कृष्णम च स्वयं कथम। आनंद क्या है? स्वयं परमात्मा की हमारे जीवन में अनुभूति हो जाए, नुकसान हो जाए व्यापार में, बीमारी हो जाए बहुत बड़ी, फिर भी भगवान में हमारा भरोसा बना रहे, भगवान से हमारा विश्वास कभी ना जाए, यही आनंद है। और जिसके जीवन में सत है, चित है, आनंद है, सच मानिएगा उसके जीवन में भगवान है, उसके घर में भगवान है, उसके हृदय में भगवान है, उसके परिवार में भगवान है, उसकी पूरी दुनिया में परमात्मा है। और जहां भगवान होते हैं वहां सब कुछ बढ़िया होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। भगवान के तीन नाम हो गए, सत, चित और आनंद। किसी ने पूछा महाराज चलिए मान लिए भगवान के तीन नाम लेते रहेंगे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, इससे होता क्या है? और ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में, इस पूरे संसार में बिना फायदे के कोई भी कोई काम नहीं करने वाला। भूख लगती है तब तो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्यास लगती है तभी तो पानी पीते हैं। बिना फायदे के, बिना प्रॉफिट के कोई भी कोई कार्य नहीं करने वाला। किसी ने पूछा महाराज क्यों ले भगवान का नाम, या भगवान के तीन नाम लेने से फायदे क्या है, भगवान क्या करते हैं? तो बोले विश्वोत्पत्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय। बोले जो भगवान है ना वो विश्व को बनाते हैं, पूरे विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं। और एक सेकंड में भगवान को जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं? सब कुछ बिगाड़ देते हैं, सब कुछ क्या करते हैं? प्रलय कर देते हैं, सारा विश्व डूब जाता है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, एक क्षण में विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं। हमें लगता है हम अपना परिवार चलाते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब पैसे कमा रहे, पर ना ना ना, भगवान कहते हैं विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व को मैं बनाता हूं, विश्व के प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य मनुष्य का नहीं, सबका भगवान पालन भी करते, केवल मनुष्यों का नहीं, यहां तक कि पशु पक्षी
जीव जंतु प्रत्येक प्राणी का पालन कौन करते हैं, उन्हें भोजन कौन देते हैं, नारायण देते हैं, श्री हरि देते हैं, भगवान देते हैं। तो भगवान का पहला काम है विश्व की उत्पत्ति, विश्व को बनाना, फिर विश्व का पालन भी करना, और अंत में जब भगवान को लगता है, ठाकुर जी को लगता है मेरा भक्त बड़ा उत्तीर्ण हो गया है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरा भजन नहीं करता, पापी पाप करता है, तो एक दिन प्रलय आता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रलय एक दुनिया में आता है, एक हमारे घर में भी आता है, एक हमारे बुद्धि में भी आता है, और कभी कभी हमारे शरीर में भी प्रलय आता है। दुनिया में जब प्रलय आता है तो पूरा विश्व डूब जाता है पानी में। परिवार में जब प्रलय आता है तो आपसी भाई भाइयों में तनाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, ये भी प्रलय। जब दिमाग में आता है ना तो व्यक्ति किसी की बातें नहीं सुनता। प्रलय कई तरह के हैं, और भगवान कहते हैं जब अहंकार आता है, जब व्यक्ति पापी हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, और एक सेकेंड में परमात्मा सब कुछ डुबो देते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, चलो भैया मान लिए भगवान के तीन नाम है, भगवान तीन काम करते हैं, तो एक सिंधने का महाराज फिर नाम भी लो भगवान का, बोले क्यों ले नाम, वो तो भगवान की ड्यूटी है ना दुनिया बनाना, उनका कर्म है। तापत्रय विनाशाय, यदि उस परमात्मा का नाम लेंगे, यदि भगवान का भजन करेंगे, तो हमारे तीन प्रकार के ताप इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, विशेषकर मनुष्य जो है ना, उनको क्या है, तीन ताप है हमारे जीवन में, तीन ही पाप है, तो तीन प्रकार के तापों को, तीन प्रकार के पापों को भगवान का नाम लेने से वो ताप और पाप अपने आप स्वतः मिट जाते हैं। कौन कौन से, गोस्वामी जी कहते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप, 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 राम राज नहीं कहो जापा, राम राज नहीं कहो जापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कहो नहीं जापा, राम राज का हम नहीं व्यापार। तीन प्रकार के ताप है, ताप मने होता है कष्ट, ताप मने कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक ताप। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनके जीवन के तीन ताप चले जाते हैं, कौन कौन से, दैहिक दैविक। आजकल मुझे लगता है हर घर में, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर में कोई एक न एक तो बीमार है। हम ऐसे कोई भी घर में आज तक नहीं पहुंच पाए जहां कोई बीमार ना हो। बड़े से बड़े पैसे वाले, बहुत से बहुत गरीब भी बीमार है, क्यों है, दैहिक दैविक, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, भगवान से दूर हो गए। माया जब आई तो भगवान छूट गए, माया जब आई तो माधव छूट गए, परमात्मा छूट गए। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। और एक बात, आजकल क्या हो रहा है, लोगों की कमाई का लगभग आधा पैसा कहाँ जा रहा है, मेडिकल स्टोर्स में जा रहा है, डॉक्टर ले रहे हैं। कमाई तो बहुत आ रही है, पैसे तो बहुत आते हैं, नौकरी बढ़िया है, व्यापार खूब ही चल रहा है, पर पैसे कहाँ जाते हैं, मेडिकल वालों के यहाँ, डॉक्टरों के यहाँ। दैहिक दैविक
तो पहला कष्ट हो गया शारीरिक, 35 साल के 30 साल की उम्र में घुटने में दर्द हो गया। 100 साल तो लोग जी नहीं पा रहे हैं, 100 साल जीना मानो सपना ही हो गया। तो दैहिक दैहिक पहला जो कष्ट है वो शारीरिक कष्ट है। तो भगवान का नाम लेने वालों को क्या होगा, शरीर में कष्ट तो होंगे, शरीर है जो कष्ट होंगे, पर वो कष्ट हमें महसूस नहीं होगा, वो कष्ट हमें परेशान नहीं करेगा, वो कष्ट हमें विचलित नहीं करेगा, वो कष्ट हमारे मार्ग से हमें हटाएगा नहीं। कष्ट तो आएंगे पर वो कष्ट एकदम कम हो जाएंगे। कैसे, डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं आपको पता होगा तो क्या करते हैं, वो आपको मूर्छित अवस्था में ले जाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। वो क्यों देते हैं, यदि सही अवस्था में ऑपरेशन कर दे तो इतना दर्द होगा, हमको डॉक्टर साहब बताए, बोले वो व्यक्ति मर जाएगा 5 मिनट में, इतना कष्ट होगा। तो दर्द तो होता, ऐसी दवा दी जाती है, ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, पर दर्द तो होता है पर उससे पता नहीं चलता। तो ऑपरेशन हो जाते हैं, बाद में बताते हैं आपको, ये वीडियो बनाते हैं आजकल। तो जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करते समय आपके दर्द को एकदम शून्य कर देता है, दर्द आपको होता तो है पर महसूस नहीं होता, ऐसे ही भगवान का यदि नित्य नाम लेंगे तो कष्ट तो आएंगे पर वो कष्ट हमें विचलित नहीं करेंगे, वो कष्ट हमें महसूस नहीं होंगे, वो कष्ट हमको लगेंगे नहीं। तो दैहिक दैविक पहला कष्ट क्या है, शारीरिक कष्ट सबको है। दूसरा कष्ट होता है दैविक, दैविक मने देवताओं के द्वारा पूर्व जन्मों के पापों की वजह से बहुत कष्ट आते हैं। दैविक कष्ट भी भगवान का नाम लेने से मिट जाता है। और तीसरा कष्ट है भौतिक, जो तीसरा वाला कष्ट है भौतिक मने पैसे की प्यास, और पैसे आ जाए, और पैसे आ जाए, और बड़े आदमी बन जाए, और मकान बन जाए, और कार आ जाए, चलना एक ही कार में है ना, कपड़े 100 सेट होंगे, 500 सेट होंगे, जूते आजकल लोग 1000 सेट घर में दुकान जैसे रखे, घर में एक पूरा कमरा बना के चप्पल लगे, बोले महाराज 3 साल में एक बार पहनते हैं, यही उमरिया में गए थे, बोले मैं बोला दुकान ही खोल लो, बोले बस महाराज पहले पहन नहीं पाए, लगता पहनते रहे, 3 साल 4 साल में एक बार नंबर आता है। भगवान ने हमें पैर धो दिए, ध्यान दीजिएगा, हम गाड़ी 50 ले आएंगे तब भी एक बार में एक ही गाड़ी में चढ़ पाएंगे ना, हर कमरे में खूब बड़े बड़े बेड भी लगा देंगे, टीवी लगा देंगे, भगवान ने आंख दो ही दी है ना, एक ही बार में एक ही चैनल को एक ही टीवी में देख पाएंगे, क्योंकि भगवान ने 4 आंखें दी नहीं। कितना भी भौतिक बात कर लेंगे, हमारे जीवन में भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से हमारे जीवन में खुशियां नहीं आने वाली है। तो कैसे आएंगी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहा नहीं जापा, केवल भगवान का नाम लेना है। कर्म करते करते परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे तो भी वो कष्ट मिट जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यदि भगवान का नाम लेंगे तो तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे, और 3 प्रकार के पाप भी होते हैं, जैसे ताप होते हैं वैसे पाप होते हैं, कौन कौन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया गया पाप, सबसे खतरनाक पाप कौन सा है, मन से सोच लिए बुरा ये पाप है, वाणी से बोला गया अपशब्द या कोई भी ऐसा शब्द जो किसी को बुरा लग जाए, मनसा वाचा कर्मणा, मन से कोई पाप हो गया हो, वाणी से हमने किसी को कुछ बोल दिया हो, और कर्म से शरीर से हमने कोई पाप कर दिया हो, तो भी उसका समन हो जाता है, वो मिट जाता है। कैसे, भगवान का नाम लेने से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का क्या करते हैं भगवान, तापत्रय विनाशाय, विनाश माने नष्ट। श्री कृष्णाय वयम नमः, जय जय श्री राधे, जरा जोर से बोलिए राधे राधे सभी लोग, जय जय श्री राधे। अभी आवाज नहीं आई, जरा जोर से पीछे वाले भी स्तर पर, जय जय श्री राधे। तापत्रय विनाश
श्री कृष्णाय वयं नमः। आखिरी में भगवान का नाम आया। पहले समस्याएं लिखी गई क्या क्या हो सकता है जीवन में, आखिरी में श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग क्या करते हैं, बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले हरे कृष्ण लाल की जय। कैसे भगवान को, श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं मने होता हम सब, अहम मने केवल मैं, अहम आवाम वयम, अहम मने एक, आवाम मने दो और वयम मने तीन। श्री कृष्णाय वयं, वयं मने सब लोग, बहुवचन है वयम। श्री कृष्णाय वयं।